इसराइल पर 7 अक्टूबर के उगते सूरज के साथ हुए हमले ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। इस जंग में हमास के आतंकियों से लड़ने के लिए इसराइल के सैनिक डटकर खड़े हो गए, लेकिन दाद देनी चाहिए इस बहादुर महिला की, जिन्होंने वन वुमेन आर्मी की तरह काम करते हुए 25 आतंकियों को मार गिराया और कई जिंदगियों को बचा लिया। महिला का नाम इनबेल लिबरमैन है, जो निर एम किबुत्स सुरक्षा की प्रमुख है। इनबेल लिबरमैन के साहस ने निसंदेह किबुत्स के लोगों को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसराइल इन इंडिया के ट्विटर अकाउंट से इनबेल की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा गया है, इनबेल लिबरमैन निर एम किबुत्स सुरक्षा की प्रमुख है। हमास के आतंकवादी हमले के समय इन्होंने तत्परता दिखाते हुए सभी महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर इकट्ठा किया और बहादुरी से लड़ते हुए 25 आतंकवादियों को मार गिराया। इस वीरांगना की वजह से पूरे किबुत्स को बचा लिया गया। हम इनबेल के जज्बे और वीरता को सलाम करते हैं। वाकई इनबेल लिबरमैन ने जो कर दिखाया वो करना हर किसी के बस की बात नहीं है। बात करें इसराइल की स्थिति की, तो गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इसराइल के जवाबी हमलों में कम से कम 770 लोग मारे गए हैं और 4000 से अधिक घायल हो गए हैं। इजरायली सेना ने तटीय इलाके में हमास के ठिकानों और मुख्यालयों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए हैं।